नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। दोस्तों, जैसे हम अपने दिमाग और मूड को शांत रखने के लिए कई गानों की प्लेलिस्ट तैयार करते हैं, उसी तरह हम अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कई सुपर फूड्स की लिस्ट भी तैयार करते हैं। बहुत लोग शायद नहीं भी करते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सुपर फूड की लिस्ट तैयार जरूर कर लेंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे सुपर फूड के बारे में जिनके बारे में शायद आपको जानकारी कम होगी, लेकिन आजकल ये फूड बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है। हम बात कर रहे हैं स्पिरुलिना की। दोस्तों, ये पानी में पाया जाने वाला एक पौधा होता है। वैसे ये एक एल्गी है। ये झील, झरना या खारे पानी में ज्यादातर पैदा होता है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। स्पिरुलिना को आयुर्वेद में कई सारी दवाइयों में यूज किया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का। इसमें करीबन 60% प्रोटीन होता है। आपको बता दें, इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी होते हैं। इसमें करीब 18 से ज्यादा विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। तो दोस्तों, हम क्यों ना कहें इसे सुपर फूड। कई आयुर्वेदिक दवाओं में इसका उपयोग भी किया जाता है। अब दोस्तों, आपके मन में यहाँ पर दो सवाल जरूर उठ रहे होंगे। पहला कि ये हमें कहाँ मिलेगा, और दूसरा कि इसको हम अपनी डाइट का हिस्सा कैसे बनाएं, यानी कि हम इसको खा कैसे सकते हैं। आपको ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर और किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएगा। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। देखिए, आपको 1 से 3 ग्राम पर डे लेना है, यानी कि 1 से 2 चुटकी लेना है, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 10 ग्राम है पर डे लेने की। अगर 10 ग्राम से ज़्यादा लिया तो ये नेगेटिव इफेक्ट आपके शरीर पर डाल सकता है, आपकी हेल्थ पर डाल सकता है, जैसे कि आपको उल्टी, दस्त, साथ ही नोजिया जैसी फीलिंग हो सकती है। इसलिए कभी भी आप इसे लें तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर ज़रूर करें। अब इसको आप कैप्सूल, जैसे नॉर्मल कैप्सूल्स खाते हैं, आप उस तरह ले सकते हैं, और अगर पाउडर है तो किसी भी जूस में मिला लें, या किसी भी, आप मान लीजिए सलाद है, या आपका कोई भी ऐसी ड्रिंक है, या कोई भी ऐसा नाश्ता है, उसमें आप स्प्रिंकल करके इसको ऐड कर सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सलाह आपको हम देना चाहेंगे। आप जब भी इसे अपने खाने में मिलाएं तो उस खाने को दोबारा गर्म ना करें, क्योंकि अगर आप उसे दोबारा गर्म करते हैं तो स्पिरुलिना की न्यूट्रिएंट वैल्यू कम हो जाएगी, पोषक तत्व सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने इसको खाने में मिलाया है तो दोबारा गर्म ना करें। और एक चीज का और ध्यान रखें, इसमें आयरन की मात्रा अच्छी खासी होती है, और आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की बहुत जरूरत होती है, और इसमें विटामिन सी नहीं है। तो आप कोशिश करें कि इसको विटामिन सी सोर्स के साथ लें, जैसे कि आप खट्टे जूस के साथ, खट्टे फलों के साथ, या नींबू के साथ, नींबू पानी के साथ आप उसे लें, तो ये बेहतरीन वर्क करेगा आपके शरीर के लिए। अब बात आती है कि स्पिरुलिना हमें फायदा कैसे पहुंचाता है। स्पिरुलिना का सबसे बड़ा फायदा है, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। जी हाँ, स्पिरुलिना को डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और सूजन की समस्या को दूर करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए सूजन पर काबू पाने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। साथ ही ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। दोस्तों, अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो स्पिरुलिना को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये वेट लूज करने में आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। इसमें बीटा कैरोटीन, फैटी एसिड, क्लोरोफिल और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में ज्यादा फैट जमा हो गया है उसको कम करने में काफी मदद करता है। स्पिरुलिना में विटामिन ए, विटामिन B12, आयरन, विटामिन ई, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए हमारी काफी मदद करते हैं। दोस्तों, स्पिरुलिना से स्किन टोन्ड होती है और आप लंबे समय तक यंग रहते हैं, यानी कि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स की समस्या स्पिरुलिना के सेवन से दूर हो जाती है। स्पिरुलिना कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे को भी दूर करने में मदद करता है।
स्पिरुलिना में प्रोटीन और फाइबर काफी अच्छी खासी मात्रा में होता है, जिससे लीवर हेल्दी और मजबूत रहता है। स्पिरुलिना लीवर की बीमारियां जैसे पी हेपेटाइटिस रोगों और सिरोसिस के खतरे से भी हमको बचाता है। आपको बता दें, ये पावरफुल फूड बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और हार्ट भी हेल्दी रहता है। लगातार स्पिरुलिना के इस्तेमाल से शरीर में स्वस्थ पोषक तत्व पहुंचते हैं, जिससे हार्ट में ब्लड फ्लो अच्छा रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए भी आप इस सुपरफूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। देखिए दोस्तों, अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यकीनन इससे आपको फायदे जरूर मिलेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है। अगर आप किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी कि लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इसे अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और दोस्तों, आपको बता दें, इसमें विटामिन डी नहीं होता है, इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसके थ्रू आपकी विटामिन डी की कमी पूरी नहीं होगी, इसलिए आपको अपनी डाइट में विटामिन डी का सोर्स जारी रखना है, यानी कि दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अपनी डाइट में बदस्तूर जारी रखने हैं, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने आपको बताया स्पिरुलिना के बारे में हर एक बात। अगर अब भी आपको डाउट है और कुछ सवाल हैं जो आपके मन में चल रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।